अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? और हम बना रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। नाश्ता तो जो है मैं अपने हस्बैंड के लिए रेडी कर रही हूँ। उन्होंने आज काम पे लेके जाना है, टाइम नहीं है उनके पास। मैं कहा जल्दी जल्दी से उनको बना के दे दूँ। और ये तो थोड़ा सा अंडा जो है ना और ज़्यादा डार्क लेते हैं, तो साथ चाय भी बन रही है हमारी फॉरएवर। तो और अंडे बनाते हैं, आपने के नहीं जाना, साथ रहना। बन रहा है नाश्ता। चलें जी, ये मेरे हस्बैंड के लिए हो रहा है और मैं ये अंडा बना के इसमें डाल के पैक करके अपने हस्बैंड को देती हूँ। जो है वो डन हो गया। तो अब मैं धो रही हूँ बर्तन। और कल मैंने बनाए थे ज़्यादा, तो उसके जो थे वो मैंने, क्योंकि अब ठंड थी इसलिए बाहर बैठे राइस पड़े थे तो वो खराब हो गए, तो अब मैंने ना उनको धोते हैं अच्छी तरह। वॉशर में डालती हूँ, तो ये देखें। असल में आज मौसम इतना खूबसूरत है कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि बाहर जो है ना अपना थोड़ा गार्डन वगैरह ठीक है। अच्छा, ये जो अंडे वाले बर्तन होते हैं ना, ये तो मैं ठंडे पानी से अलग धोती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है अंडों की जो स्मेल होती है ना, वो तो सबसे ज़्यादा अंडों की स्मेल होती है, तो ये तो मैं ना सबसे पहले अलग धोऊंगी। हालांकि यहाँ पे ऐसे ऐसे लीकवर्ड हैं, आप यकीन करें कि अंडों की स्मेल आती नहीं है। तो कैसे वो हमारी कोको की आवाज़ें भी आ रही हैं। कोको देखो जरा कहाँ आ गई है ना। तो बाकी ये जो बर्तन है, ये वाले जो है हम करेंगे। और पता है क्या, जब वो ये भी थोड़े डब्बे धो देती हूँ, क्योंकि जब ऑयल शॉयल के हाल लगते हैं। हाँ जी, इधर ये फिर पे रखते हैं। तो नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, एकदम चल जाते ठीक है। तो वो देखें जी, हमारी कोको अभी, हमारी सारी सफाइयाँ इधर पूरे घर की क्लीनिंग क्लीनिंग होने वाली है। तो वो देखें जरा, कोको के साथ खेल रहा है मेरा बेटा। तन बाकी जो है वो डिश वॉशर में डालते हैं, लगाते हैं। तो अच्छा, अभी यहाँ पे कुकिंग हुई है, उसके बावजूद भी देखें इतना गंदा नहीं है चूल्हा मेरा। फिर भी इसको मैंने कहा कि साफ करें, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से देखें ना, ये थोड़ा सा है, तो इसको अब हम ये देखें साफ करते हैं। तो ये हम इस तरह साफ करेंगे इसको। तो ये देखें, क्योंकि अपने घर की क्लीनिंग करना एक तो सवाब भी है और हेल्दी भी है। देखिए, आप अपने घर का काम करते हैं ना जब, तो आपको बड़ी खुशी भी होती है जब आप अपने घर को सफाई करते हैं, और फिर बाद में जब उसका रिजल्ट देखते हैं ना, कि घर जब चमकता है तो फिर ओ हो, जो दिल को खुशी होती है ना, वो तो मैं कहती हूँ बस ना ही पूछें, बहुत खुशी होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मैं घर साफ करूं, और जब मौसम अच्छा हो तो फिर तो ज़रूर दिल करता है कि घर जो है ना वो साफ करके फिर बाहर मौसम, दिल करता है कि बाहर पौधे लगाएं, कुछ मतलब सेटिंग करें, बड़ा अच्छा फील आता है। तो ये तो हो गया है जी, अब इसको करते हैं क्लीन। तो जी देखें,
तो जल्दी जल्दी से अब हम इसको ये देखें, यहाँ के जो लिक्विड है ना बहुत अच्छे हैं, तो वो करते हैं ऐसे साफ के हदे। तो ये देखिए सारा, कैसे चमक है। अब इस पे कुकिंग करने का भी मज़ा आएगा। अब क्या है कि मैंने साथ ही सालन रख देना है लंच का, जो खाना अपनी हांडी रख देनी है साथ ही, वो भी बनती जाएगी। फिर मैंने लॉन्ड्री करनी है, फिर जल्दी जल्दी आज मैं इसलिए भी लगी हुई हूँ कि आज ना मेरा दिल कर रहा है कुछ पौधे शौधे भी लेके आए। मैंने वैसे पुदीना भी लेके आई थी, तो मैंने कहा लगाएं और अपने बेटे के साथ, क्योंकि उसका भी आज बड़ा मूड है कि अम्मा बाहर ना आज कुछ करते हैं, क्योंकि आज बड़ी अच्छा, क्योंकि आपको पता है ये मार्च शुरू हो रहा है, तो स्प्रिंग में ना पौधे लाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसको थोड़ा सा गीला करके ना फिर इसको साफ करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। इतना अच्छा माशाल्लाह से लग रहा है, चमक रहा है, आप यकीन करें, शाइन कर रहा है, ये देखें। अच्छा, हमारे घर वालों को ना कहा जाता है, अब्बू ने तो नाम रखा सफाई पसंदो, कि यकीन करें हम जब तक घर की सही सफाई, हम सारा दिन बैठते ही नहीं हैं। सारा दिन हमारा काम है कि हम सफाई करते हैं, सारा दिन चूल्हे साफ, किचन साफ। ये अब साफ हो गया ना, इसके बाद सारा दिन मैंने देखिएगा अपने क्या करती हूँ कि मैं टीवी लॉन्च को साफ करती रहती हूँ। कोई चीज़ इधर से उधर हो जाए मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है, बस मेरा दिल करता है कि ना बस करते रहो, साफ सफाई करो। मैं बच्चों को भी साथ साथ बोल के कहती रहती हूँ कि मुझे चीज़ इधर से उधर ना नजर आए, बस मेरी ये हमें अम्मी की तरफ से मिला है, अम्मी को अपनी अम्मी की तरफ से मिला है, ये हमारी खानदानी है। अच्छा, अब मैं यहाँ की क्लीनिंग कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि आपको भी साफ साफ दिखाऊं। तो हालांकि वैसे तो मेरा काउंटर देखें साफ है, बिल्कुल साफ है हमारा काउंटर, ये देखें, लेकिन मैं फिर भी मेरी आदत में धोती हूँ, वॉश करती हूँ। अच्छा, मेरी आदत है कि बेशक अकाउंटेंट साफ भी हो फिर भी मैं काउंटर जरूर धोना है। ये देखें काउंटर जो है ना वो मैं जरूर वॉश करती हूँ, चाहे जो मर्जी हो जाए। आने मेरी वीडियो देखी होगी जहाँ पे मेरा पुरानी वीडियो थी, जहाँ पे मैं अपने काउंटर वगैरह मैंने आपको दिखाया था सारा क्लीन करते हुए। तो अब ये सिंक जो है ना, सिंक तो लाजमी जो है ना वो तो साफ, सिंक ना साफ हो तो फिर, अगर सिंक क्लीन ना हो पूरा, ऐसे लगता है कि लो किचन साफ हुआ ही नहीं। एक सिंक एक चूल्हा, ये ना साफ हो फिर लगता है कि नहीं कुछ भी क्लीन नहीं हुआ। तो मैं कह रही थी कि जी हमें हमारे अब्बू ने नाम रखा हुआ है सफाई पसंद हो, क्योंकि हम जो है बस सारी बहने हमारी आदत है। मैं तो फिर भी शायद कम हो, मेरी बाकी सिस्टर तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं फिर भी कहती हूँ चलो कोई नहीं, हम रिलैक्स हो जाते हैं, वो तो रिलैक्स भी नहीं होती हैं, बस लगी रहती हैं। तो जी काउंटर जो है वो काफी बड़ा है काउंटर,
इसका काफी यूनिक है। अच्छा अब हम ये क्लीन करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्लीन होकर ये कैसा लगेगा। तो देखें काउंटर सारा मैंने क्लीन कर लिया है और अब मैंने साथ जो बर्तन धोए थे उसी में उसी हांडी में मैंने अब चिकन हांडी बनाने लगी हूँ। तो साथ साथ ये भी रख देंगे ना, तो मैंने देखें ये वॉश कर ली है तो इनको हम डाल लेंगे हांडी में, तो खुद ही ये भी बनते जाएंगे और बाद में इनके छिलके भी उतार लेंगे। तो इसी तरह टमाटर जो है वो मैं काट के डाल रही हूँ ताकि छिलके बाद में उतर जाएंगे। और ये सारा ग्रीन चिली जो भी है आप डालते, बस हांडी बनानी है ना मैंने आज, ज़रा सिंपल सी बनानी है। इस पर टमाटर भी डाल दिए हैं, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं और थोड़ा सा जो है वो प्याज भी डाल रही हूँ। तो अच्छा ये प्याज जो बच गया था उसको मैंने फिर अपने डिप्लॉक में डाला, उधर से निकाल के अब ले के आई हूँ। तो मैंने प्याज सूखे पता है आपको मीठा कर देता है, इसलिए प्याज मैं थोड़ा ही डालती हूँ। तो जी प्याज डाल दिया, ये सब चीज़ें खुद ही गल जाएंगी इसके अंदर ही, ऊपर हल्की आंच में रख देंगे ना। साथ साथ काम करते रहेंगे, साथ साथ अपनी लॉन्ड्री का करूँगी, साथ साथ यहाँ से मैंने अपना डस्टिंग करनी है। वैसे तो यहाँ मिट्टी होती नहीं है, मैं आपको सही बताऊँ तो आप दो यहाँ पे समझे दो दो हफ्ते आप आराम से गुजर जाते हैं, कोई वो नहीं मिट्टी पड़ती है, कोई मिट्टी है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं डस्टिंग करती हूँ। अच्छा ये भी हो गया और ये जो थे ये मैं लेके आई थी फ्रेश थे कड़ी पत्ता, तो ये भी थोड़े से अंदर डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं। तो चलो जी इसको भी वॉश करके, हालांकि ये सब वॉश होते हैं मैं ऐसे नहीं डालती हूँ, ये कड़ी पत्ता भी डाल दिया। अच्छा ये तो मैं ना जो गार्लिक होता है वो तो मैं निकाल के फ्रीज कर देती हूँ ताकि ईजीली फिर आराम से आप निकालें और हो जाए। तो ये देखें इसको भी अंदर डालते हैं इस तरह, और कितनी ज़बरदस्त देखिएगा हांडी बनेगी इंशाल्लाह। तो बस इसके अंदर थोड़ा और रेड चिली हल्दी नमक बस यही मैं डाल के अंदर इसको रख दूँगी, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा मसाले तंदूर में डालने की, मैं तो नहीं डालती कभी। हाँ कभी अगर कोरमा बनाया तो फिर उसमें तो डलते ही हैं, लेकिन ये वाली डिशें जो है ना ये सिंपल हैं और इस और हेल्दी भी होती हैं, जिसमें आप ज़्यादा ज़्यादा मसाले वो तो स्टमक के लिए भी नहीं अच्छी होती। तो खैर ये मैंने काफ़ी ज़्यादा गार्लिक डाल दिया, ये देखें अब ये इसको मैं हल्की आंच में रख दूँगी, अंदर नमक मिर्चें आपको डाल के जो मैंने आपको बताया, तीन मसालों की हांडी है ये। तो जी चलें अब इसको भी रखते हैं, क्लीनिंग हो गई, किचन मेरा साफ हो गया, अब मैं डस्टिंग वगैरह झाड़ू करूँगी और उसके बाद शायद आज मेरा बहुत मूड है कि पौधे लगाऊं, लगाए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जो बर्तन धोए थे ना उनको मेरा दिल है कि जल्दी जल्दी से ना ड्राई कर दें और ताकि उन बर्तनों को मैं लगाऊं। वैसे तो इतने वो यही तो दो थे, इन्हीं को ही बस मैंने ड्राई करके रख देना है। ये देखें यहाँ काउंटर जो है ना वो साफ बिल्कुल मुझे पसंद है, यहाँ कोई चीज ना हो। ये देखें तो ये वाला भी धो लेती हूँ, तो इसको भी धो लिया, धो के इसको भी अब ड्राई करके कैबिनेट्स वगैरह में रखते हैं इनकी जगह पे, इनका काम हो गया ख़त्म। ये भी इनको भी ड्राई कर दिया और चले जी ये हो गए ड्राई, इनको रखते हैं इधर। अच्छा मैंने सिंक भी वॉश कर लिया था तो अब मैंने कहा कि इन सबको भी ड्राई कर लेते हैं अच्छी तरह। हालांकि ये आपको पता है काउंटर हर वक्त यूज़ हो रहा है क्योंकि अभी फिर मेरे बेटे ने उठना है और उसने फिर कुछ ना कुछ अब मांग रहे हैं और फिर कुकिंग शुरू हो जानी है, कुकिंग तो वैसे भी साथ हो ही रही है आप देख रहे हैं। देखिए
वैसे तो ना यकीन करें ये वाइपर इतना अच्छा है कि आपको उसके बाद ड्राई करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने वो तसल्ली के लिए करती हूँ, वरना तो जरूरत ही नहीं होती है। कितना ये देखें, वैसे के वैसे साफ है, मतलब इतनी क्लीनिंग तो है कि ये साफ सुथरा है वैसे ही। चलें जी जी, हर औरत अपने घर की मासी होती है, हर औरत, ये याद रखिएगा, हर औरत, कोई भी मेरे हाल औरत, हर औरत चाहती है कि उसका घर साफ नजर आए, अच्छा लगे, चाहे जैसा भी है जितना भी है, लेकिन हर औरत का दिल करता है घर साफ हो। तो अब मेरा घर हो गया साफ, क्लीन हो गया, मैंने आपसे शेयर किया। और हाँ जी, मेरे जो छोटे से दो पौधे मैं लेके आई थी, आपको दिखाती हूँ, तो वो ये हैं, तो इनको अभी तो फिलहाल मैं पानी देती हूँ। देखिए अभी ड्राई किया था, फिर वही शुरू हो गया ना काम, तो इनको मैं आपके सामने पानी देती हूँ। और मेरा बेटा कह रहा है कि इनको लगाते हैं, तो अब देखें अगर मैंने लगाया तो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगी। थोड़े से ये अच्छे होते हैं, किचन में खुशबू भी बड़ी अच्छी उठी आती है। तो चले ये तो यहाँ पे रखे मैंने इनको, ये देखें थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की इनकी ना ये हो रही है ज़रा ख़राब, तो इसलिए मैंने कहा इसको कोशिश करती हूँ और लगाने की। तो चले इसके अलावा बाकी जो पौधे हैं उनको भी पानी देते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसमें ऑयल डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ऑयल ज़्यादा पसंद है इसमें, तो इसको हम करते हैं मिक्स। और देखें आपके सामने जो मैंने रखी थी इसमें चीज़ें, सारे मसाले जो डाले थे, गार्लिक प्याज, वो सब मिक्स हो चुके हैं, कोई नज़र नहीं आ रहे। अब जो थोड़े बहुत हैं उनको थोड़ा सा ऐसे और कर लें, लेकिन अब देखें माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे फ्रेश लुक आ रही है हांडी की। मुझे वो ब्लैक ब्लैक कलर और बिल्कुल नहीं मसाले और ज़्यादा टू मच, बस ये देखें ना आप, इसको थोड़ा भूनेंगे अच्छी तरह, भून के इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर इसका थोड़ी सी ग्रेवी रखूँगी और बस ये रेडी है। तो आज की मैंने आपसे किचन का चूल्हे की क्लीनिंग भी की, काउंटर क्लीन किया, हांडी भी थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर ली है, थोड़े से पौधे भी अपने शेयर किए हैं। तो इंशाल्लाह अगर मैं अब जल्दी जल्दी मैंने काम कर रही हूँ और अगर मैं गई तो मैं मतलब हो सकता है पौधे वगैरह लेने जाऊँ, तो मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो वीडियो डाल दूँगी। और क्योंकि अब हमारी वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और आज की किचन की क्लीनिंग आपको मेरी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि दिल खुश हो। और बड़ा देखें आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो जो कमर्स अच्छे करते हैं लोग, तो उनका पता चलता है कि वो लोग अच्छे लोग हैं। और इसके अलावा अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ जी, ये हांडी अब मैं भून रही हूँ, भूनते भूनते जब अच्छी तरह भून जाएगी तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, तो फिर इंशाल्लाह मैं अपने हस्बैंड को दूँगी, शाम को वो आएँगे। तो जी, अल्लाह हाफिज़।